कल रखी मेरी सब ते वड़ा सतगुरु नानक दिन कल राखी मेरी रात सुही मेला तीजा कर पहला अस्पदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद ना मैं ही ते सब किछ हुआ बिन सतगुर नाम न जापे राग सुही मैला तीजा कर पहला अस्पदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद ना मैं ही ते सब किछ हुआ बिन सतगुर नाम न जापे गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध न जापे कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाही आपे गुरमुख होवे ता एको जाने मैं दुख ना संतापे बलहारी गुरे अपने विटों जिन साचे स्यों निवलाई शब्द चीन आत्म परगास्या सहजे रहा समाई राव गुरमुख गावे गुरमुख बूझे गुरमुख शब्द विचारे जू पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सवारे मानमुख अंधा अंध कमावे बिख खट्टे संसारे माया मोह सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारे सोई सेवक जे सतगुर सेवे चले सतगुर पाए साचा शब्द सिफत है साची साचा मन वसाए सच्ची बाणी गुरमुख आखे हमें विचों जाए आपे दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए मनमुख सभी कूड़ो बोले मनमुख सभी कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए जम काल बांदा इसना दादा बिन गुर कवन छिड़ाए सच्चा तीर्थ जित सत सरनावन गुरमुख आप बुझाए अठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए तितना तय मल जाए सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नाम अलगे न लाए सच्ची सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए तन मन सब खिच हर तिस केरा दुर्मत कहन न जाए हुक्म होवे ता निर्मल होवे हो मैं विचों जाए गुर की साखी सहजे साख्याखी जिसना अग्न बुझाए गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहा समाए हर का नाम सत कर जाने गुर कै पाए प्यारे स
सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे एको सच्चा सब मैं वरतै बिरला को विचारे आपे मेल ले ता बख्शे सच्ची भगत सवारे सबो सच 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 वरतै गुरमुख कोई जाने जम्मन मरना हुक्म वरतै गुरमुख आप पछाने नाम त्याए ता सतगुर पाए जो इच्छे सो फल पाए नानक तिस दा सब किच होवे जे विचों आप गवाए सबो सच 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 वरतै गुरमुख कोई जाने जम्मन मरना हुक्मो वरतै गुरमुख आप पछाने नाम ते आए ता सतगुर पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विचों आप गवाए वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चे का नाम रखने वास्ते जो बेनती आई है तो पहला अक्षर नन्ना है नामै ही ते सब किछ होवा जो कुछ नजर विच आउंदा है एदी सारी उत्पत्ति एदी होंद कित्थों पैदा होई है नाम तो बिन सतगुर नाम ना जापे नाम ये प्राप्त कित्थों होंदा है ये किदे खजाने विच वो सतगुरु गुरु मिलते जिस मिले हैं मन होए आनंद सो सतगुर कही है जिन्नू मिलन नाल इदे मन दे कलेश इदियां सोचां खत्म हो जांदियां ने वो कदों होंदियां ने जदों ये अपने आप नूं गुरु दे हवाले कर दिंदा इनू दुख आ जाए इनू ये आसरा होंदा है कि गुरु ने मेरा कोई कर्म कटिया इन सुख आ जाए आंदा गुरु मेरे ते चिट्ठा आया है ये सब कुछ अपना दुख सुख सब कुछ गुरु नूं अर्पण कर देवे औखा काम कीता नहीं जांदा पर जे इनू नाम की प्राप्ति ता ही होनी है जब ये अपना आप गुरु के हवाले कर दिया गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध न जा जब इन नाम मिल जाता है जपदा ही गुरु नूं मिल के नाम मिल भी गया पर एदा मन जेड़ा है वो फिर संसार दे कमां विच ही खुब्या रहिंदा है उस पासे नहीं लगदा उहदे बड़े महाराज ने राह दसे ने बाणी विच भी उंज भी महाराज ने इहनूं हठ नाल भी नाम जपाए क्योंकि बंदे नूं जदों कोई बीमारी होंदी है ना डॉक्टर को दवाई मिलती है कौड़ी लगती सूती है कौड़ी है खान तू डरदा है लेकिन जो खाता है तो इन आराम आता है एक बीमारी कटी जाती है इन सुख महसूस होता है तो गुरु का शब्द जड़ा है गुर का शब्द महारस मीठा क्यों मीठा है
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਪੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਟੀ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਨਸਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਸਭ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਮੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪਦ ਨੇ, ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।